सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इजी टू ओटके को और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शिर अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखते हैं को सुनते करो आपको शादी शोर का सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप सबके दो अल्लाह करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज छोटे बेटे को बुखार हो गया था रात का, तो आज मैंने इसको छुट्टी करवाई थी। आपको पता है कि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं और बच्चे जो हैं वो अपना ख्याल नहीं रखते। बच्चे जो है वो उन्हें लगता है कि हम भागते दौड़ते हैं, पसीना आता है तो गर्मी लगती है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि पसीने के बाद जो हवा लगती है, ठंड लगती है, उसकी वजह से फिर बुखार हो जाता है। कुछ ये भी है कि बच्चे जो हैं वो ये बाज़ार की चीज़ें खा लेते हैं, मसाले वाली पापड़ वगैरह, चिप्स, और उसके बाद पानी पी लेते हैं तो गला ख़राब हो जाता है। और जब गला ख़राब होता है तो उसके बाद फ़ौरन से बुखार जो है वो छोटे बच्चों को तो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि उनमें कैपेसिटी इतनी नहीं होती, कुव्वत मुदाफ़त कम होती है। इसलिए सर्दियाँ शुरू होती है ही बच्चों को कोशिश करें कि इनको बाज़ार की चीज़ें जो वो कम दें, और जो गर्म चीज़ें हैं वो बच्चों को अंडा शहद वगैरह वो खिलाएं। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं आपको पता ही है कि लापरवाही कर जाते हैं। ये देखिए अब इतना सा मुँह निकल आया है, रात का बुखार हुआ हुआ। आज फिर मैंने स्कूल से छुट्टी करवाई थी, अभी अभी उठा सो के, तो अभी मैं इसको नाश्ता दूंगी और उसके बाद इसको जो है वो मेडिसिन दूंगी ताकि ये रेस्ट करे और इसका बुखार जो है वो ठीक हो जाए। अभी मैं इसको खिलाऊंगी साबूदाना। साबूदाना जो है वो बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है। आपको मेरी एक से वीडियो में पीछे से आवाज़ें आती सुनाई देती होंगी, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो नीचे जो बच्चे हैं वो अक्सर जब मैं वीडियो बना रही होती तो शोर करते हैं। तो अभी मैं आपको बता रही कि मैंने बनाया बच्चे को इसके लिए साबूदाना फाइक के लिए। साबूदाना बच्चों को तो वैसे भी देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों की जो सेहत है वो बेहतर होती है, ये हेल्दी होता है छोटे बच्चों के लिए। तो और अगर बुखार वगैरह में दे तो फिर बच्चे की जो कमज़ोरी है वह जल्दी कवर हो जाती है। तो अभी मैं इसको साबूदाना खिलाऊंगी। आपको पता है जब बच्चे बीमार होते हैं तो इनको खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है। चले 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 शाहबाज जल्दी उठा, चले जी नाश्ता हो गया है इसका कंप्लीट। अभी मैं इसको मेडिसिन दूंगी, इन्हें पकड़े। आपको पता है कि बच्चे मेडिसिन जो है ना वो भी बहुत मुश्किल से पीते हैं, चाहे सिरप हो चाहे गोली हो टैबलेट हो। इसके साथ एक ट्रेजेडी ये भी होती है कि जब इसके फाइनल एग्जाम आते हैं ना तब इसको बुखार जो है ना वो ज़रूर हो जाता है। बेचारा कभी तो बुखार में ही अपने जो पेपर है वो देता है, लेकिन इस बार पहले हो गया है तो शुक्र है कि चलो तो इतने दिनों तक कवर हो जाएगा। अभी पेपर आने में इसके एक माह है, तो इसको फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी। और इसके साथ ऐसे होता है कि इसको डे टाइम में थोड़ा सा खेल लेता है, जब देखा कि बुखार ठीक हो गया खेलता है, और रात को इसको फिर बहुत तेज़ टेम्परेचर हो जाता है, तो इस वजह से इसका बुखार जो है लंबा हो जाता है। तो मैं अपनी वीडियो के ज़रिए यही पैगाम देना चाहूँगी इन तमाम माओं को, तमाम बहनों को, कि प्लीज़ जो सब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बच्चों बच्चे तो ज़िद करते ही हैं पता ही है, फिर माओं ने ही उनका हैंडल करना होता है, कि इसके साथ साथ फिर बाकी घर के काम भी करने होते हैं, बच्चों की देखभाल भी ज़रूरी है। तो बस यही पैगाम देना चाहूँगी कि बच्चों को सर्दी से बचाएं, कोशिश करें कि कम से कम बच्चों को गर्म कपड़े या नीचे से कोई गर्म शर्ट्स वगैरह, ऊपर से अपर हाई नेक जर्सियाँ जो भी आप उनके पास हो, आप कोशिश करके बच्चों को महफूज तरीके से उसे ने सर्दी से बचाएं, ताकि ये वैसे तो मौसम जो चेंज होता है तो बच्चों को थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है टम्परेचर या गले ख़राब जो है वो मामूली सी बात है, सभी बच्चों को हो जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी हम केयर करें माएँ बहन तो मेरे ख्याल में बच्चे जो है ना इस चीज़ से बच सकते हैं। और जो बच्चे इसकी तरह फाइक की तरह शरारती हैं उनको तो आपको पता है फिर हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो मेरा बेटा है ना ये बहुत शरारती है, इसको बहुत मुश्किल से हैंडल करना पड़ता है। इसको मना करते करते भी ये ऐसा काम कर जाता है कि या तो इसको तबीयत खराब हो जाती है या फिर कहीं चोट लगवा लेता है। तो आज का व्लॉग जो मैंने इसी के लिए बनाया है, आज की वीडियो तो मुझे बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा और आपके बच्चे जो हैं वो कितने शरारती हैं और क्या करते हैं। अब वीडियो का एंड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट,
ये अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। इससे जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। अब इसी दुआ के साथ के जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।